आज हमने जिन चीज़ों को डिस्कस करने हैं ऑलरेडी इन द क्लास वी हैव डन दैट, तो हम एक दफ़ा उसको गो थ्रू करेंगे, रिवाइज करेंगे। हम लोगों ने क्लास में लेक्चर स्टार्ट किया था फाइनाइट ऑटोमेटा के बारे में, और हमने ये कहा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा एक पिक्टोरियल या एक ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंटेशन होती है लैंग्वेज की। आफ्टरवर्ड्स वी डिस्कस कि हमारे पास दो तरह के फाइनाइट ऑटोमेटा होते हैं। वन इज कॉल्ड डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, द अदर वन इज कॉल्ड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। ऑन दिस स्लाइड हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फाइनाइट ऑटोमेटा इज अ कलेक्शन ऑफ दीज थ्री थिंग्स जो कि मैंशनड हैं। नंबर वन, वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स। हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा चाहे NFA की शक्ल में हो, चाहे DFA की शक्ल में हो, इट विल ऑलवेज हैव अकाउंटेबल नंबर ऑफ स्टेट्स। बेशक वो तादाद स्टेट्स की कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो, बट इट विल ऑलवेज बी काउंटेबल। दैट मीन्स वो फाइनाइट होगी। आउट ऑफ दोज फाइनाइट स्टेट्स एग्जैक्टली वन इनिशियल स्टेट होगी हमारे पास, लाजमी होगी और एक ही होगी। और हमारे पास एक या एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट्स होती हैं। सम फाइनल स्टेट्स वुड बी देयर, वो एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। एंड इन सम केसेस वी डोंट हैव अ फाइनल स्टेट, तो इन सम केसेस वी डू नॉट हैव अ फाइनल स्टेट एट ऑल। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट अ फाइनाइट ऑटोमेटा इज कि हमारे पास अल्फाबेट होता है सिग्मा। वी नो दैट के फाइनाइट ऑटोमेटा इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ लैंग्वेज, लिहाजा लैंग्वेज को जब रिप्रेजेंट करना है, यानी कि उसकी स्ट्रिंग्स को आइडेंटिफाई करना है, जेनरेट करना है, तो वी नीड एन अल्फाबेट, और उस अल्फाबेट की मदद से वी बिल्ड अप स्ट्रिंग्स। वी नो दैट के अगेंस्ट एवरी इनपुट, जब भी किसी स्टेट पे कोई इनपुट आती है, हमारे पास ट्रांजिशंस होती हैं। इन अदर वर्ड्स, हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जाते हैं। इन सम केसेस ट्रांजिशन जोन सी है उसी स्टेट पे लूप बैक कर जाती है। ठीक है जी, सो वी हैव गॉट फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रांजिशंस। ये तीन चीज़ें हर एक फाइनाइट ऑटोमेटा में हमेशा मौजूद होंगी, चाहे वो डिटर्मिनिस्टिक हो वो नॉन डिटर्मिन। ओके जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल गिवन है, हम इस तरह के एग्जाम्पल्स देख चुके हैं जिसमें हमें बताया गया है कि वी हैव गॉट थ्री स्टेट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। स्टेट्स का नाम है एक्स, वाई और जी, और इन तीन स्टेट्स में से जो स्टेट एक्स है इट इज इनिशियल स्टेट, और जो स्टेट जेड है इट इज अ फाइनल स्टेट। और साथ में हमें बताया गया है ट्रांजिशंस के बारे में, इस तरह से लिख कर बताया गया है कि जब मैं स्टेट एक्स पर मौजूद हूँ और मैं इनपुट ए रीड करता हूँ तो मैं स्टेट जेड पर जाता हूँ। सिमिलरली, अगर मैं स्टेट एक्स पर मौजूद हूँ और मैं इनपुट बी रीड करता हूँ तो मैं स्टेट वाई पर जाता हूँ। टोटल नंबर ऑफ इनपुट्स मेरे पास दो हैं, एज आई कैन सी फ्रॉम द गिवन अल्फाबेट। हमारे पास सिग्मा में दो कैरेक्टर्स हैं, ए और बी। लिहाजा जब भी मैं फाइनाइट ऑटोमेटा बनाऊंगा, और बिलखसूस डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाऊंगा, तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेट एक्स पर भी इनपुट ए और बी की ट्रांजिशन को देखेंगे, स्टेट वाई पर भी और स्टेट जेड के ऊपर भी इनपुट ए और बी की ट्रांजिशन को देखा जाएगा। लिहाजा जब मैं एक्स पर ए रीड करता हूँ तो मैं जेड पे जाता हूँ, इसी एक्स के ऊपर जब मैं इनपुट बी रीड करता हूँ मैं वाई पे जाता हूँ। देन अगर मैं स्टेट वाई के ऊपर मौजूद हूँ और मैं इनपुट ए रीड करता हूँ या इनपुट बी रीड करता हूँ, दोनों इनपुट्स को रीड करने के केस में आई एम गोइंग टू स्टेट वाई, यानी कि आई एम स्टेइंग ऑन स्टेट वाई। और फिर हमें बताया गया कि अगर मैं स्टेट जेड पर मौजूद हूँ और मैं इनपुट ए रीड करता हूँ या इनपुट बी रीड करता हूँ, इन बोथ द केसेस आई स्टे ऑन स्टेट जेड। इसी ने यहाँ पर ट्रांजिशन टेबल की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास तीन थी, एक्स, वाई और जेड। स्टेट एक्स इनिशियल स्टेट थी, वी नो दैट कि इनिशियल के लिए वी यूज अ माइनस सिंबल, और स्टेट जेड फाइनल स्टेट थी तो उसके लिए वी यूज अ प्लस सिंबल। तो
टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स हैं तीन, एक्स वाई और जी। एक्स इनिशियल है, जेड फाइनल है और वाई एक इंटरमीडिएट स्टेट है। अब वी नो दैट कि हमने पीछे हमारे पास जो प्रीवियस स्लाइड थी उससे हम देख चुके हैं कि स्टेट एक्स पर ए आए तो जेड पे जाओ, बी आए तो वाई पे जाओ। सो जब स्टेट एक्स पर इनपुट ए आई, व्हेन वी रेड इनपुट ए वी वेंट टू स्टेट जेड, और जब हमने इनपुट बी रीड की तो हम लोग स्टेट वाई पर चले गए। फिर जब मैं स्टेट वाई पर था तो इनपुट ए रीड करता था तब भी स्टेट वाई पर ही लूप करता था, इनपुट बी रीड करता था तब भी स्टेट वाई पर लूप कर रहा था। सिमिलरली स्टेट जेड पर जब मौजूद हूँगा, इनपुट ए आएगी तो स्टेट जेड पर ही रहूँगा, बी आएगी तब भी स्टेट जेड पर ही रहूँगा। तो वही इंफॉर्मेशन जो पीछे हमें एक टेक्स्ट की शक्ल में गिवन थी उसी को हमने स्टेट ट्रांजिशन टेबल के अंदर डाल दिया है, और आफ्टर दिस स्टेट ट्रांजिशन टेबल वी कैन ईजिली बिल्ड अप द फाइनाइट ऑटोमेटा, और वी कैन से द डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा फॉर दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। इस केस में आप देख सकते हैं कि तीन स्टेट्स थी, एक स्टेट एक्स थी जिसको हमने रिप्रेजेंट किया, स्टेट वाई थी, स्टेट एक्स इनिशियल थी लिहाजा माइनस सिंबल है, स्टेट वाई फाइनल थी लिहाजा उसमें प्लस सिंबल है। स्टेट एक्स पर ए आता था तो जेड पर जाते थे, बी आता था तो हम वाई पर जाते थे, पर ए आता था या बी आता था हम वाई पर ही रहते थे, दैट इज वाई लूप की मदद से रिप्रेजेंट किया गया है। सिमिलरली स्टेट जेड के ऊपर जब इनपुट ए आ रही थी या बी आ रही थी आई वॉज स्टेइंग ऑन स्टेट जेड, सो I will be having a loop over here on state Z for input A and input B. I believe कि ये काफ़ी हद तक आपको क्लियर होगा, already we have discussed that. फिर यहाँ पर कुछ examples हैं जो कि हम class में कर चुके हैं. We are given a language over here जो कि alphabet के ऊपर defined है, इसमें दो characters हैं A और B, और language को represent किया गया है इस regular expression की मदद से, और हमें पता चल रहा है कि ये वो लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स हैं जो कि कैरेक्टर ए से स्टार्ट होती हैं, उसके बाद हमारे पास ए बी या एज और बीज का कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है, इवन लैम्डा भी आ सकता है जब मैं ए प्लस बी होल क्लोजर को जीरो नंबर ऑफ टाइम्स कंसिडर करता हूँ। दैट मीन्स कि अगर मैं इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स लिखना शुरू करूँ तो मेरे पास मिनिमम स्ट्रिंग जो आएगी दैट वुड बी ए, सेकेंड मिनिमम वुड बी ऑफ लेंथ टू दैट कैन बी डबल ए और ए बी, देन वी कैन हैव लेंथ थ्री की स्ट्रिंग्स, अगेन उन स्ट्रिंग्स में पहला कैरेक्टर ए होगा। लिहाजा आप किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग डिफाइन करोगे इस लैंग्वेज की मदद से तो हर एक स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर लाजमी ए होगा, बिकॉज हमने कॉन्स्टेंट ए जो है ये कंकटिनेट किया हुआ है स्टार्ट में, so every string will have character a as the first character. This is basically a plus b ka whole closure, balki I should say not whole closure but plus operator. theek hai ji, uski wajah kya hai ki is particular language mein minimum a accept ho raha hai ya b accept ho raha hai. This is my initial state. I can see that minus symbol नहीं use किया मगर incoming arrow है, ये alternate representation होती है for the initial state. तो ये हमारी initial state है, जो भी इसका नाम आप दे दो। जब initial state पर input A आ रही है या input B आ रही है तो I am going to this particular state, और यहाँ पर double and circle हुआ है showing that this is a final state. That means A is being accepted और B is also being accepted. इसके बाद मेरे पास ए आए या बी आए, किसी भी सीक्वेंस में आए, किसी भी ऑर्डर में आए, आई विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट। लिहाजा इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के अगेंस्ट वी कैन राइट दिस पर्टिकुलर रेगुलर एक्सप्रेशन, दैट इज ए प्लस बी के ऊपर प्लस ऑपरेटर लगा हुआ है, यानी कि मिनिमम लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी ए, दैट विल आइदर बी ए और बी। इज इट क्लियर जी? देन वी हैव गॉट अनदर एग्जाम्पल ओवर हेयर, और अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव गॉट ओनली टू स्टेट्स एक्स और वाई, और इसमें बताया गया कि जो स्टेट एक्स है ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है, और बाकी हमें ट्रांजिशंस के बारे में बताया गया है कि एक्स पर जब ए आए
या फिर बी आए तो हम वाई पर चले जाते हैं, वाई पर जब ए आए या फिर बी आए तो हम एक्स पर चले जाते हैं। इसके लिए हमारे पास ये एक ट्रांजिशन टेबल बना हुआ है, आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल ऑफ दैट। सिर्फ यहाँ पर यह देखने की ज़रूरत है कि क्योंकि हमारे पास एक्स इनिशियल भी था और फाइनल भी था, लिहाजा इसी स्टेट को हमने माइनस सिंबल और प्लस सिंबल दोनों से रिप्रेजेंट किया है, जस्ट टू शो कि ये इनिशियल भी है और ये फाइनल भी है। देन इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को हमने यहाँ पर ग्राफ की शक्ल में या फाइनाइट ऑटोमेटा या ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाए तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की मदद से हमारे पास एक्स जो था ये इनिशियल भी था फाइनल भी था, सो वी हैव गॉट अ प्लस सिंबल एज वेल एज अ माइनस सिंबल रिटन ओवर हियर। ये बात मैं आपसे क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ कि जब एक स्टेट इनिशियल भी होती है और फाइनल भी होती है तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर स्टेट इज एक्सेप्टिंग लैम्डा एज वेल। तो इस लैंग्वेज के अंदर मेरे पास जो नल स्ट्रिंग है जो लैम्डा है दैट इज ऑल्सो बींग एक्सेप्टेड। फिर इसी लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया गया है और इसको ऑड लेंथ की स्ट्रिंग्स के लिए DFA बनाया गया है। ऑड लेंथ में वी नो दैट कि लेंथ जीरो एक्सेप्ट नहीं होती, यानी कि लैम्डा नहीं आ सकता, लिहाजा जो इनिशियल स्टेट है उसको फाइनल नहीं बनाया गया। इसके अलावा लेंथ वन एक्सेप्ट होगी, यानी कि सिंगल ए आ जाए या बी आ जाए तो आई शुड गो टू द फाइनल स्टेट। लेंथ टू एक्सेप्ट नहीं होगी, यानी कि अगर मेरे पास ए के बाद या बी के बाद कोई और कैरेक्टर आ गया तो मैं इनिशियल स्टेट पे चल गया। फिर लेंथ थ्री एक्सेप्ट हो जाएगी, लेंथ टू के बाद या ए या बी कुछ और कंकटिनेट हुआ तो मैं फाइनल पे आ जाऊँगा। तो आई कैन सी दैट कि लेंथ वन, लेंथ थ्री, लेंथ फाइव, लेंथ सेवन, इस तरह की तमाम तर लेंथ की स्ट्रिंग्स आर बीइंग एक्सेप्टेड बाय दिस गिवन फाइनाइट ऑटोमेटा। सो दिस इज अ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ। This language is representing strings of odd length. Then हमारे पास एक और लैंग्वेज गिवन है, इसमें भी हमें अल्फ़ाबेट बता दिया गया है, दिस इज़ द अल्फ़ाबेट, और हमारे पास जो लैंग्वेज है उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये है। आई बिलीव कि सबको पता है कि ये वो लैंग्वेज है जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स आती हैं जिन स्ट्रिंग्स का स्टार्ट बी पर होता है, यानी कि इसके नतीजे में एक भी ऐसी स्ट्रिंग नहीं जनरेट हो सकती जो ए से शुरू होगी। आपसे मैंने कहा था कि आप जब भी DFA बनाएंगे तो आपकी हमेशा पहला काम क्या होना चाहिए कि आप उस लैंग्वेज में आने वाली मिनिमम स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करवाएं। तो अगर ये पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें तमाम तर वो स्ट्रिंग्स आ रही हैं जो B से शुरू होती हैं तो द मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ द लैंग्वेज विल सिंपली बी लेंथ वन की सिंपली बी, दैट इज द मिनिमम स्ट्रिंग ऑफ दिस लैंग्वेज। लिहाजा जब भी इनिशियल स्टेट के ऊपर इनपुट बी रीड होगी आई विल एंड अप गोइंग टू अ फाइनल स्टेट, दैट मीन्स बी वुड बी एक्सेप्टेड। उस बी के बाद ए आए, बी आए, किसी भी सीक्वेंस में आए, किसी भी ऑर्डर में आए, आई विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट। दैट मीन्स कि जितनी भी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज में जनरेट हो रही हैं उनका पहला कैरेक्टर बी है, तो जब भी बी आया मैं फाइनल पे चला गया, उसके बाद अगला कैरेक्टर स्ट्रिंग का ए हो, बी हो, या किसी भी लेंथ की कोई आगे स्ट्रिंग बिल्डअप हो रही हो, दैट वुड बी एक्सेप्टेड इफ़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द लैंग्वेज इज ऑफ द स्ट्रिंग इज बी। और अगर कोई स्ट्रिंग आ जाती है जो कि कैरेक्टर ए से स्टार्ट होती है जैसे यहाँ पर दिखाया गया, तो क्योंकि हमारे पास इस लैंग्वेज में ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स नहीं आ सकती, लिहाजा अगर पहला कैरेक्टर ए होगा तो आई विल एंड अप गोइंग टू अ स्टेट दैट विल एक्ट एज अ वेस्ट बास्केट। सो दिस इज द वेस्ट बास्केट स्टेट और द डेड स्टेट। ए से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स इस डेड स्टेट में आ जाएंगी और फिर उसके बाद ए आए, बी आए, कुछ भी आए, दे विल ऑल स्टे on this particular dead state or the waste basket state and will not be able to come out of it. Similarly, ये जो एक और language है इसमें we can see that कि वो तमाम strings हैं जिनका end A पर होता है, यानी कि minimum string of this language would be A, या फिर तमाम वो strings जिनका आखिरी character A होगा। तो इन्होंने यहाँ पर इस लैंग्वेज के लिए डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनाया हुआ है। लैंग्वेज में मिनिमम स्ट्रिंग क्या थी, ए थी, तो ए इज़ बीइंग एक्सेप्टेड। इसके अलावा हमारे पास और क्या आ सकता है इस लैंग्वेज में, लेट मी राइट इट डाउन। इस लैंग्वेज में मिनिमम स्ट्रिंग तो ए है, क्या इस लैंग्वेज में
ऐसी स्ट्रिंग्स आ सकती हैं जिनमें ए से पहले बी आया हुआ हो, और मेरे पास स्ट्रिंग है ट्रिपल बी ए, तो शुड इट बी एक्सेप्टेड बाय द लैंग्वेज दैट कि हमारे पास अगर स्टार्ट में पहला कैरेक्टर बी हो तो ये लूप करेगा और तब तक लूप करता रहेगा जब तक बी आते रहेंगे, जूं ही ए आएगा क्योंकि अब आखिरी कैरेक्टर ए हो गया तो इट विल गो टू द फाइनल स्टेट. क्लियर? सो ट्रिपल बी ए वुड बी एक्सेप्टेड. इमेजिन कि मेरे पास इस ए के बाद दोबारा ए आता है या मल्टीपल एज आते हैं, दैट मीन्स कि अभी भी स्ट्रिंग का एंड ए पर ही हो रहा है. सो जब ये ट्रिपल बी के बाद पहला ए आया तो दिस विल गो टू दिस फाइनल स्टेट. इस पहले ए के बाद आगे जितने भी ए आएंगे इट विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट क्योंकि आखिरी कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग शुड बी ए फॉर द स्ट्रिंग टू बी एक्सेप्टेड. द मोमेंट मेरे पास ए के बाद सपोज बी आ जाता है तो अब स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए और किसी ऐसी स्टेट पर जाना चाहिए जहां पर बी के बाद अगर दोबारा बी आते रहे या फिर बी के बाद ए आ गया तो इट शुड गो टू अ फाइनल स्टेट. तो मेरे पास जब मैं यहाँ फाइनल स्टेट पे मौजूद हूँ और मेरे पास अगली इनपुट आती है बी, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ? मैं स्टेट वन पर चला जाता हूँ और फिर जितनी दफ़ा भी बी आते रहेंगे आई विल स्टे ऑन स्टेट वन एंड द मोमेंट आई विल एनकाउंटर ए फ्रॉम स्टेट इनिशियल स्टेट आई विल गो टू द फाइनल स्टेट. सो एवरी स्ट्रिंग दैट वुड बी एंडिंग ऑन ए वुड बी एक्सेप्टेड बाय दिस DFA. इन्होंने फिर इसी लैंग्वेज को एक और DFA की मदद से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ठीक है, इस DFA की शक्ल चेंज है, इसमें नंबर ऑफ स्टेट्स हमारे पास तीन हैं, मगर ये सेम लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर हमारे पास मिनिमम स्ट्रिंग ए आती है तो इट वुड गो टू अ फाइनल स्टेट. ए के बाद अगर ए आता रहेगा इट विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट. अगर स्टार्ट में बी आ जाता है तो ये एक इंटरमीडिएट स्टेट पर चला गया और बी के बाद जब तक बी आते रहेंगे इट विल स्टे ऑन दैट इंटरमीडिएट स्टेट और जो ही ए आएगा इट विल गो टू अ फाइनल स्टेट. फिर जब फाइनल स्टेट पे रहेगा ए आते रहेंगे तो स्टे ऑन द फाइनल स्टेट. द मोमेंट बी आएगा इट विल गो बैक टू दिस पर्टिकुलर स्टेट और जब तक बी आते रहेंगे इट विल स्टे ऑन दिस स्टेट और जो ही ए आएगा इट विल गो बैक टू द फाइनल स्टेट. वी कैन सी दैट कि इस पर्टिकुलर DFA में हर स्टेट पर दोनों इनपुट्स ए और बी हैंडल्ड हैं, लिहाजा दिस इज अ डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा. इसमें किसी किस्म का कोई नॉन डिटर्मिनिज्म एग्जिस्ट नहीं करता. डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है इसके हवाले से हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग इट ओवर हियर. दिस नोट इज ऑफ नो ग्रेट इम्पोर्टेंस, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं. ओके जी, यहाँ पर हमारे पास दो लैंग्वेजेस गिवन है हमें. जो लैंग्वेज L1 है, ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है L1, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर दिस पर्टिकुलर अल्फाबेट बिगिनिंग विद ए, इसमें वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आती हैं जो ए से शुरू हो रही हैं. और जो लैंग्वेज L2 है, दिस इज अ लैंग्वेज डिफाइंड ओवर द सेम अल्फाबेट नॉट बिगिनिंग विद बी. यानी कि L1 और L2 ये दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं. L1 में कहा गया कि इट इज अ लैंग्वेज जिसमें वो तमाम स्ट्रिंग्स आ रही हैं जिनका पहला कैरेक्टर ए है, और L2 में वो तमाम तर स्ट्रिंग्स आ रही हैं जो कि बी से शुरू नहीं होती. अगर ये दो लैंग्वेजेस आपको गिवन हो और मैं आपसे पूछूं कि क्या ये दोनों लैंग्वेजेस इक्विवेलेंट हैं, क्या L1 इक्विवेलेंट है L2 के, तो व्हाट शुड बी योर आंसर? क्योंकि L1 के अंदर आने वाली स्ट्रिंग्स के ऊपर लाजमी है कि सब स्ट्रिंग्स ए से शुरू होती हूँ, यानी कि मिनिमम ए आ जाएगा या फिर ए बी आ जाएगा या फिर डबल ए आ जाएगा या ट्रिपल ए आ जाएगा या ए ए बी आ जाएगा या ए बी ए आ जाएगा या ए बी बी आ जाएगा एंड सो ऑन. अब अगर मैं L2 की बात करूं तो L2 में कौन सी स्ट्रिंग्स आती हैं जो कि बी से शुरू नहीं होती? अब बी से तो लैम्डा भी नहीं शुरू होता, और मैंने आपसे पहले दिन से कहा कि जब भी आप लैंग्वेज की स्ट्रिंग्स लिखना शुरू करोगे तो हमेशा पहला सवाल खुद से आपने ये पूछना है कि क्या लैंग्वेज में लैम्डा लिखा जा सकता है. तो क्योंकि कहा गया कि लैंग्वेज बी से शुरू ना हो, इसका मतलब है लैम्डा आ सकता है, क्योंकि लैम्डा तो किसी कैरेक्टर से शुरू नहीं होता, लिहाजा बी से तो शुरू नहीं हो रहा वो, डेफिनेटली वो तो ए से भी नहीं शुरू हो रहा, लेकिन क्वेश्चन ये है कि बी से शुरू ना होता हो, लिहाजा लैम्डा इज नॉट बीइंग स्टार्टिंग विद बी, सो लैम्डा शुड बी पार्ट ऑफ द लैंग्वेज. इसके अलावा वो बाकी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जो कि अगर बी से नहीं शुरू होती, दैट मीन्स ए से शुरू होती हैं,
जो कि हम L1 में लिख चुके हैं वही L2 में भी आ जाएंगी, दैट इज A या फिर ए बी या फिर डबल ए एंड सो ऑन कंकैटिनेटेड विद ए प्लस बी का होल क्लोजर लैंग्वेज जो L1 है, ठीक है। अगर मैं ये जो L1 लैंग्वेज मैंने लिखी है अगर मैं इसी L1 का होल क्लोजर ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दैट वुड बी इक्वल टू L। अगर मैं इस पूरे होल क्लोजर को जीरो टाइम्स लूंगा तो फिर तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा, ठीक हो गया। लैम्डा का सिंबल मैं ये लिख देता हूँ फर्स्ट करें, ठीक है, हैट सिंबल जो है लैम्डा आ गया। अगर मैं इस एंटायर एक्सप्रेशन को ये जो अंदर लिखी हुई है ये वाली, इसको मैं एक दफ़ा ले लूँ तो क्या होगा, ए कंकैटिनेटेड विद ए प्लस बी होल क्लोजर हो जाएगा, और अगर इंटरनल क्लोजर को जीरो टाइम्स ले लूँगा तो खाली ए आ जाएगा। इसी तरह डबल ए भी आ जाएगा, इसी तरह डबल ए भी आएगा, ए बी भी आएगा एंड सो ऑन, ठीक है। तो बेसिकली कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लैंग्वेज L1 जोन सी है वो एक अलग लैंग्वेज थी, L2 एक अलग लैंग्वेज थी। L1 और L2 में डिफरेंस क्या था, डिफरेंस था लैम्डा का। L1 में लैम्डा नहीं आ सकता था, L2 में लैम्डा आ सकता था, तो दैट इज़ वाई L1 इज नॉट इक्विवेलेंट टू L2, दो के उससे काफ़ी हद तक मिलती जुलती है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या हुआ, ये जो पर्टिकुलर हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा गिवन है, ये मेरा ख्याल से मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये L1 के लिए है, एज ऊपर हमें दिखाया भी गया है कि L1 के लिए है, जिसमें मिनिमम स्ट्रिंग A है और उसके बाद A आए या B आए, कुछ भी आए, दैट वुड बी एक्सेप्टेड। B से स्टार्ट होने वाली स्ट्रिंग्स वुड नॉट बी एक्सेप्टेड इन दिस केस। ये जो पर्टिकुलर DFA हमें गिवन है ये L2 के लिए है, क्योंकि इसमें लेमडा भी एक्सेप्ट हो रहा है, बाकी वही स्ट्रिंग्स हैं जो कि L1 में होती थी। तो लेमडा को एक्सेप्ट कराने के लिए क्या किया, इनिशियल को फाइनल बना दिया, और इसके अलावा सिंपल A आया वो भी एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद A आया या B आया या कुछ भी आया, दैट इज ऑल्सो बींग एक्सेप्टेड। इज इट क्लियर जी? और B से स्टार्ट होने वाली कोई स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट नहीं होगी। सो इसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा जा सकता है, एक तो वो है जो मैंने आपको लिखवाया, और दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन ये है, ठीक है, कि आप बजाय इस होल का क्लोजर लो आप लैम्डा अलग से लिख दो, सही है, तो दैट विल आल्सो बी एन इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? वो तमाम तर स्ट्रिंग्स होंगी जो ए से शुरू होंगी और ए पर एंड होंगी, या फिर वो स्ट्रिंग्स होंगी जो बी से शुरू होंगी और बी पर एंड होंगी। और अगर मैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन को गौर से देखूँ तो इस रेगुलर एक्सप्रेशन में आने वाली जो स्ट्रिंग्स हैं उनकी मिनिमम लेंथ क्या है, मिनिमम लेंथ 2 है, और वो मिनिमम स्ट्रिंग्स कौन सी हैं, कौन सी मिनिमम स्ट्रिंग्स हैं, या डबल ए या डबल बी, ठीक हो गया। तो इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए अगर मैंने DFA बनाना हो तो आई गेस कि ये भी हम क्लास में बना चुके हैं, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, कि अगर मेरे पास खाली ए आया और उस ए के बाद दोबारा ए आ जाए, यानी कि डबल ए आ जाए, तो आई शुड गो टू अ फाइनल स्टेट। और एक दफ़ा स्टार्ट में ए आ गया और फिर दोबारा ए आया, और फिर जितनी दफ़ा ए आते रहे, आई शुड स्टे ऑन द फाइनल स्टेट, क्योंकि पहला कैरेक्टर भी ए है और उसके बाद जब आप फाइनल पे आ रहे हो तब भी ए आ रहा है या ए आई जा रहे हैं, दैट मीन्स यू विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट। अगर ए के बाद बी आ जाता है तो आप इस स्टेट पे लूप करोगे और तब तक लूप करते रहोगे जब तक दोबारा ए ना आ जाए। एट द फाइनल स्टेट सपोज आपके पास स्ट्रिंग आ गई ए ट्रिपल बी ए बी, अब जब आपने रीड किया ए फर्स्ट बी सेकेंड बी थर्ड बी, यानी कि ए ट्रिपल बी ए, तो आप फाइनल पे आ गए, और जब आप इस ए के बाद बी रीड करते हो तो आपको किसी ऐसी स्टेट पे जाना है कि उस बी के बाद अगर दोबारा ए आए तो आप फाइनल पे चले जाओ, दैट इज वाई वी आर लूपिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर स्टेट। कि अगर मेरे पास ए ट्रिपल बी ए बी आया तो मैं यहाँ आ जाऊँगा, और फिर जब तक बी आते रहेंगे मैं इसी स्टेट पे रहूँगा, और जूँ ही ए आएगा आई विल गो बैक टू द फाइनल। सो इट इज इंश्योरिंग दिस थिंग कि स्टार्ट में भी ए आए और एंड में भी ए आए तो यू शुड रीच द फाइनल स्टेट। सिमिलरली अगर स्टार्ट में बी आ जाएगा तो फिर आखिरी कैरेक्टर भी बी होगा, तो आप फाइनल स्टेट पे जाओगे, और वंस फाइनल स्टेट पे आ गए तो फिर उसके बाद बी आते रहेंगे तो यू विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट। अगर ए आ जाएगा तो आप लुक बैक करोगे इस स्टेट के ऊपर,
और तब तक यहाँ रहोगे जब तक ए आते रहेंगे, जो ही बी आएगा अगेन यू विल एंड अप गोइंग टू अ फाइनल स्टेट। देन यहाँ पर एक टास्क गिवन है जो कि मेरे ख्याल से हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों के साथ क्लास में हो चुका है कि स्टार्टिंग और एंडिंग कैरेक्टर अगर सेम हो, यानी कि अगर लैंग्वेज ए पर स्टार्ट हुई है और ए पर ही एंड हुई है, ये तो सेम है। अच्छा ठीक है, ये सेम लैंग्वेज है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें और पिछली लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? इस लैंग्वेज में ये भी तो ए पर स्टार्ट हो रही है और ए पर एंड हो रही है, या बी पे स्टार्ट हो रही है और बी पर एंड हो रही है, यानी कि सेम लेटर्स पर स्टार्ट हो रही है और सेम लेटर्स पर एंड हो रही है, तो फिर इस लैंग्वेज में क्या डिफरेंस आ सकता है? बिगिनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर्स या ऑन सेम लेटर्स, ये भी तो वही है ना कि या ए से शुरू हो तो ए पर एंड हो, या बी से शुरू हो तो बी पर एंड हो, तो फिर इसका डिफरेंस क्या होगा प्रीवियस लैंग्वेज से? डिफरेंट होगा, डिफरेंस ये है मेरा बच्चा कि प्रीवियस लैंग्वेज में मिनिमम लेंथ 2 थी, यहाँ पर लेंथ का जिक्र नहीं है, दैट मीन्स कि इसके अंदर अकेला ए भी आ सकता है, जस्ट ए, क्योंकि ए ए से शुरू होगा, ए पर ही एंड होगा, सिंगल लेंथ का कैरेक्टर है, ए की स्ट्रिंग है लेंथ 1 की, तो ए से शुरू होगी तो वही ए है, वही स्टार्ट है, वही एंड है, सिमिलरली सिंगल बी भी आ सकता है, लिहाजा इस लैंग्वेज में और प्रीवियस लैंग्वेज में अगर कोई डिफरेंस है तो वो ये है कि प्रीवियस लैंग्वेज में सिंगल ए नहीं आ सकता था या सिंगल बी नहीं आ सकता था, यहाँ पर सिंगल ए या सिंगल बी भी एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके लिए ये डीएफए बना हुआ है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर एक ए आएगा दैट वुड बी एक्सेप्टेड, और अगर ए के बाद ए आते रहेंगे तो आप फाइनल पे ही रहोगे, जो ही ए के बाद बी आएगा तो आप एक और स्टेट पर चले जाओगे, और जब तक बी आते रहेंगे यू विल स्टे देयर, जो ही ए आएगा अगेन एंडिंग ऑन ए हो रहा है यू विल गो टू द फाइनल स्टेट, और फिर ए आता रहेगा यू विल स्टे हेयर, बी आएगा यू विल गो बैक टू स्टेट 4। सिमिलरली ये जो बी वाला केस है इसमें भी यही है कि अगर सिंगल बी आएगा दैट विल ऑल्सो बी एक्सेप्टेड, दिस इज अ फाइनल स्टेट, अगर इस बी के बाद बी आते रहे तो यू विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट, अगर बी के बाद ए आएगा तो आप एक नॉन फाइनल स्टेट पे चले जाओगे, और तब तक इस नॉन फाइनल स्टेट पर रहोगे जब तक ए आते रहेंगे, जो ही बी आएगा यू विल गो टू अ फाइनल स्टेट। इज इट क्लियर? इज दिस क्लियर? तो हमारे पास इस डीएफए में और प्रीवियस डीएफए में फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीवियस में सिंगल ए एक्सेप्ट नहीं होता था, इसके अंदर सिंगल ए या फिर सिंगल बी वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा आप मुझे बता सकते हो इस डीएफए में क्या चेंज करूं तो लैंग्वेज जोन से सेम बने, कोई डिफरेंस ना आए? सर, 4 को अगर वापस 2 पे ले जाएं तो ठीक है, क्या क्या 4 पे क्या रीड करूं और 2 पे चला जाऊं? सर, 4 से आगे आप ए रीड करवा दें वापस 2 पर। अच्छा जी, अगर मैं 4 पर ए रीड करूं और मैं 2 पर आ जाऊं, और इन दैट केस मैं ये वाली 6 डेट जो है कनेक्ट कर दूं, ये खत्म कर दूं, ये ना हो, सपोज ये ना हो, और 4 पर जो ए है बजाय 6 पे जाने के वो वापस लूप बैक कर जाए 2 पे, तो क्या कोई फर्क आएगा? और सेम काम मैं यहां पर भी करूं, इधर भी करूं कि यहां 5 पर जब बी आए तो मैं 3 पर चला जाऊं और ये 6 और 7 स्टेट्स को खत्म कर दूं, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन द लैंग्वेज इफ देयर विल बी एनी? कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं स्टेट 6 और स्टेट 7 वगैरह को ख़त्म कर दूं ना और स्टेट 4 पर ए की इनपुट को ले जाऊं 2 पे और सिमिलरली 5 के ऊपर बी की इनपुट को ले जाऊं 3 पे, तो अभी भी यही लैंग्वेज बनेगी जो इस वक्त बन रही है। इज दिस क्लियर जी? यस सर। ओके, हमारे पास ये एक लैंग्वेज है जिसके स्टार्ट और एंड में डिफरेंट कैरेक्टर आ रहा है, अगर ए से शुरू हुई है तो बी पर एंड हो रही है, अगर बी से शुरू हो रही है तो ए पर एंड हो रही है। आई बिलीव इसके लिए भी हम डीएफए बना चुके हैं, इट विल बी समथिंग लाइक दिस कि अगर पहला कैरेक्टर ए आएगा तो तब तक फाइनल पे नहीं जाएगी जब तक कि आखिरी कैरेक्टर बी ना हो, अगर ए के बाद ए आते रहे तो इट विल स्टे ऑन स्टेट 2, अगर बी आ गया दैट मीन्स स्टार्ट ए पर हुआ था और अब बी आ गया इट विल गो टू अ फाइनल स्टेट, और जब तक बी आते रहेंगे इट विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट, जो ही ए आएगा इट विल गो बैक टू स्टेट 2 एंड स्टे ऑन स्टेट 2 अंटिल एंड अनलेस दोबारा से बी आए। सो दिस वुड बी एन डीएफए फॉर अ लैंग्वेज
विच विल स्टार्ट एंड एंड ऑन डिफरेंट कैरेक्टर्स। मैं इन चीज़ों को इसी तरह से गुजार रहा हूँ इसी वजह से कि हम क्लास में इस पर काफ़ी डिटेल में बात कर चुके हैं। ओके जी, देन वी हैव गॉट अनदर एग्जाम्पल। इस लैंग्वेज एग्जाम्पल में क्या हो रहा है जी, ये बेसिकली हमारे पास ए प्लस बी होल क्लोजर की लैंग्वेज है, जिसमें हमने इनिशियल स्टेट को इनिशियल भी बनाया है और फाइनल भी बनाया है, यानी कि लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है। इसके अलावा लेंथ वन की स्ट्रिंग ए या बी वो भी एक्सेप्ट हो रही है, और उस ए या बी के बाद कुछ भी आए वो भी एक्सेप्ट हो रहा है। लिहाजा दिस इज अ डी एफ ए रिप्रेजेंटिंग ए प्लस बी होल क्लोजर लैंग्वेज, और दिस इज एन इक्विवेलेंट डी एफ ए फॉर द सेम लैंग्वेज। ये भी ए प्लस बी होल क्लोजर को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल स्टेट फाइनल भी है लिहाजा लैम्डा एक्सेप्ट हो रहा है, और फिर ए और बी का इस पर लूप लगा हुआ है, यानी कि सिंगल ए आए सिंगल बी आए या एज और बीज का कोई भी कॉम्बिनेशन आए, इट विल स्टे ऑन द फाइनल स्टेट। सो ए प्लस बी होल क्लोजर लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन दिस वे एज वेल। और ये जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है ये ए प्लस बी होल प्लस ऑपरेटर की लैंग्वेज है, एज वी कैन सी दैट यहाँ पर लिखा भी हुआ है। ठीक है, इसमें हमारे पास लैम्डा एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, इसके अलावा लेंथ वन लेंथ टू लेंथ थ्री लेंथ फोर किसी भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है। सो दिस इज अ डी एफ ए फॉर ए प्लस बी होल प्लस ऑपरेटर। अच्छा जी, अभी आपके सामने ये एक ग्राफ गिवन है, सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या ये डी एफ ए है? दिस इज द अल्फाबेट गिवन टू मी, क्या अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अ डी एफ ए या मेटा की डेफिनेशन या डी एफ ए की स्पेसिफिक डेफिनेशन, उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ पूरा उतरता है उसके ऊपर? DFA फाइनाइट ऑटोमेटा क्या कहता है? फाइनाइट ऑटोमेटा कहता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हों। तो क्या इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं? आई एम आस्किंग यू पीपल जी, क्या फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं इसमें? नो सर, फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स नहीं है इसमें। सर इसके इनिशियल पे ए बी का लूप लग रहा है ना? जी जी, मैं पूछ रहा हूँ स्टेट्स की तादाद फाइनाइट है? स्टेट्स की तादाद तो फाइनाइट है सर। तो मैंने ये पूछा ना कि डू वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, अंग्रेजी में यही बोलते हैं मेरा बच्चा, क्या हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स हैं? यस सर। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। क्या इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स में से कोई इनिशियल स्टेट है? यस सर। एक ही है, एक ही है। यस सर है, स्टार्ट। यस सर एक ही है। अच्छा, हमारे पास फाइनल स्टेट है? यस सर। यस सर, ये एक भी हो सकती थी, एक से ज्यादा भी हो सकती थी, एक भी ना होती ये भी पॉसिबल था। क्या हमारे पास हर स्टेट के ऊपर अल्फाबेट में गिवन दो कैरेक्टर्स ए और बी की ट्रांजिशन शो की गई है? यस सर। स्टेट इनिशियल स्टेट पर ए और बी की ट्रांजिशन नजर आ रही है ना? यस सर। और जो फाइनल स्टेट है उस पर भी ए आई या बी आई कहां जाना है ये भी पता चल रहा है? यस सर। अच्छा, ये तो होगी फाइनाइट ऑटोमेटा की बात। क्या ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है? क्या इसमें हर स्टेट के ऊपर हर इनपुट के हर स्टेट पर हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन है? नो सर, हर स्टेट पर हर इनपुट के लिए ट्रांजिशन नहीं है। क्या स्टेट जो इनिशियल स्टेट है क्या उस पे इनपुट ए के लिए ट्रांजिशन है? यस सर है। क्या इनपुट बी के लिए ट्रांजिशन है? यस सर। जी सर। इसी तरह फाइनल स्टेट पर ए के लिए इनपुट है इस ट्रांजिशन है? यस सर। बी के लिए भी है? यस सर। दैट मींस के अल्फाबेट में दो ही कैरेक्टर्स थे ए और बी, तो दोनों स्टेट्स के ऊपर कैरेक्टर ए और बी दोनों के लिए ट्रांजिशन है, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा जी, क्या यूनिक ट्रांजिशंस हैं? क्या ये यूनिक ट्रांजिशंस हैं? क्या इनिशियल स्टेट के ऊपर इनपुट ए के लिए एक ही ट्रांजिशन है या इनिशियल स्टेट पर ए के लिए मल्टीपल ट्रांजिशंस हैं? एक ही है सर। दैट मींस के यूनिक ट्रांजिशंस हैं हमारे पास दोनों स्टेट्स के ऊपर हर इनपुट के लिए। यस सर, ऐसा ही है ना? तो ये तो डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा की या फाइनाइट ऑटोमेटा की डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है, ऐसे ही है? जी सर। तो क्या इसको फाइनाइट ऑटोमेटा या डीएफए कहना चाहिए? कहना चाहिए सर।
ओके जी, ये क्या एक्सेप्ट कर रहा है, कौन सी स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है, क्या ये लैम्डा करता है? नो सर, इज इट एक्सेप्टिंग लैम्डा? क्या ये सिंगल लेंथ की इनपुट ए या इनपुट बी एक्सेप्ट करता है? नो. क्या लेंथ टू की स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करता है? नो सर. क्या ये किसी भी लेंथ की स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है? नो. नहीं करता. नहीं करता. ना करने की वजह क्या है? क्योंकि सर ये फाइनल पे, फाइनल से इनिशियल की तरफ आ रहा है. हाँ जी, उसकी वजह ये है कि इनिशियल स्टेट से कोई भी रास्ता नहीं है फाइनल तक जाने का. ऐसा ही है? जी सर. यस. क्या इनिशियल से कोई एज है जो फाइनल तक लेके जाए? क्या कोई एरो डायरेक्शन ऐसी है कि इनिशियल से फाइनल तक पहुंच सकूं? नो सर. ओके जी, दैट मीन्स कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा तो है, ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा भी है, मगर ये किस किस्म की लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक ऐसी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिस लैंग्वेज में कोई भी वर्ड नहीं है, क्योंकि इसके नतीजे में कुछ भी जेनरेट नहीं हो रहा, लिहाजा दिस इज अ लैंग्वेज विच हैज नो वर्ड इन इट. इज इट क्लियर? यस सर. लैंग्वेज कुछ भी जनरेट नहीं करती. एज अ लैम्डा कंसीडर कर सकते हैं. अभी मैं इस पे बात करता हूं. इस लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग नहीं आ रही. जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो यू कॉल इट एम्प्टी सेट. लिहाजा इस लैंग्वेज में जो कि एक सेट की तरह होती है, इसमें एक भी वर्ड नहीं है, लिहाजा ये नल लैंग्वेज है या एम्प्टी लैंग्वेज है. इज दिस क्लियर? यस सर. ओके जी, अगर मैं एक लैंग्वेज में, आप अपने पास करली ब्रैकेट्स में लिखो, लैम्डा लिख लो. अगर आप एक लैंग्वेज में लैम्डा आ रहा है, एक लैंग्वेज के अंदर लैम्डा आ रहा है, क्या ये लैंग्वेज एम्प्टी है? नो सर. क्यों नहीं है एम्प्टी? क्योंकि सर इसमें लेंथ जीरो की स्ट्रिंग तो है ना. मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर मैं ये लिखूं तो क्या ये लैंग्वेज एम्प्टी है? ये एम्प्टी नहीं है, क्योंकि इस लैंग्वेज में एक वर्ड आ रहा है और वो वर्ड क्या है? नल स्ट्रिंग है, लेंथ जीरो वाला वर्ड है, और वो कौन सा है? लैम्डा है. इज इट क्लियर? यस सर, क्लियर. लिहाजा एम्प्टी लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज में और इसके साथ अगर मैं ये लिखूं, इन दोनों में बहुत फर्क है. ये लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है, इसमें एक स्ट्रिंग आ रही है, दैट इज लैम्डा. ये लैंग्वेज एम्प्टी है, इसमें कोई स्ट्रिंग नहीं आ रही, लिहाजा ये पर्टिकुलर लैंग्वेज जो है ये एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करती है. ना तो ये लैम्डा एक्सेप्ट कर रही है, ना ही ये कुछ और एक्सेप्ट कर रही है. इज इट क्लियर? यस सर. ओके जी, तो ये आपके पास एक ऑब्जेक्टिव भी आया हुआ था कि अगर एक लैंग्वेज में कुछ भी ना आए तो क्या उसमें लैम्डा होगा या नहीं होगा, एंड समथिंग लाइक दैट. सो इट वाज एन एम्प्टी लैंग्वेज अगर उसमें कुछ भी नहीं होगा. फाइन, फिर ये मेरे पास कुछ और लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में कहा गया है कि ये इक्विवेलेंट हैं. आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप एफ वन को देखो तो एफ वन तो वही लैंग्वेज है जिसकी अभी हमने बात की, ये वाली. एफ टू जो है, अगर आप इसको गौर करो, ये भी मेरे पास एक लैंग्वेज है. ठीक है, इसमें भी इनिशियल है, इसमें फाइनल नहीं है. हमने कहा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा में लाजमी नहीं होता कि फाइनल आए, लेकिन इसमें इनिशियल है और दोनों स्टेट्स पर इनपुट ए और बी दोनों हैंडल्ड हैं. लेकिन अगेन वी कैन सी दैट के एफ टू भी कुछ एक्सेप्ट नहीं करती. ठीक है, एफ टू क्यों नहीं कुछ एक्सेप्ट करती? क्योंकि फाइनल स्टेट है ही नहीं, तो इनिशियल से फाइनल क्योंकि मौजूद ही नहीं है, तो इनिशियल से फाइनल तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो, लिहाजा नथिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड. सिमिलरली जब मैं F3 की बात करता हूँ, ये जो तीसरा फाइनाइट ऑटोमेटा है, आप इसको देखें तो इसमें भी हमारे पास जनाब क्या है, तीन स्टेट्स हैं, वन टू थ्री. स्टेट वन पर इनपुट ए और बी दोनों हैंडल्ड हैं, स्टेट टू पे भी हैंडल्ड हैं, स्टेट थ्री पर भी हैंडल्ड हैं. मगर एक तो हमारे पास कोई फाइनल स्टेट है नहीं. सपोज मैं अगर स्टेट थ्री को फाइनल बना भी दूँ, ये तो नीचे चला गया इसमें, चला. एनीवेज, इमेजिन कि स्टेट थ्री इज फाइनल, बट स्टिल मैं इनिशियल से फाइनल तक नहीं जा सकता.
क्योंकि कोई रसाई मुमकिन नहीं होगी, लिहाजा नथिंग इज बीइंग एक्सेप्टेड। सो ये तीनों एफ ए वन, एफ ए टू, एफ ए थ्री, ये तीनों क्या हैं? ये एम्प्टी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा या डी एफ ए, ये बिल्कुल ठीक है, मगर ये कुछ एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये ऐसी लैंग्वेज है जिसमें कोई भी वर्ड नहीं आता। एफ ए वन में भी कोई वर्ड शामिल नहीं है, एफ ए टू में भी कोई वर्ड जनरेट नहीं होता, एफ ए थ्री से भी कोई वर्ड जनरेट नहीं होता। लिहाजा ये तीनों लैंग्वेजेस क्या हैं? एम्प्टी लैंग्वेजेस हैं। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके जी, तो ये आगे इसी चीज का कॉन्सेप्ट दिया गया है। रिमेनिंग एग्जाम्पल्स जोन सी हैं, ये हम क्लास में वैसे सॉल्व कर चुके हैं। आई बिलीव कि आप लोग देख लोगे, चार पांच स्लाइड्स रहती हैं टोटल, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस देम। अगर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो काइंडली आप मुझसे मंडे के दिन आके मिल लें, क्योंकि आगे आपका पेपर भी आ रहा है और हमने डी एफ एस को पेपर का हिस्सा बनाना है, तो एवरी थिंग टिल दिस पॉइंट विल बी इंक्लूडेड इन द एग्जामिनेशन। हमारी उस लैंग्वेज का कभी नहीं बन सकता जिस लैंग्वेज में कोई चीज़ एक्सेप्ट ना होती हो। आरी हमेशा ऐसी लैंग्वेज का बनता है जो कुछ ना कुछ एक्सेप्ट कर रही होती है। आरी का मतलब है आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख रहे हो कि किस टाइप की स्ट्रिंग्स उसमें आ रही हैं। तो लिहाजा जिस लैंग्वेज में कोई भी स्ट्रिंग नहीं आती, यानी कि लैम्डा भी नहीं आता, लेंथ वन टू थ्री फोर, कोई भी लेंथ की कोई भी स्ट्रिंग नहीं आती, दैट इज एन एम्प्टी लैंग्वेज और उसका रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बन सकता। बेटा फाइनाइट लैंग्वेज ये तो एम्प्टी लैंग्वेज है ना। फाइनाइट तो वो आए जिसके अंदर कोई चीज कंटेन कर रही हो, ठीक है। इसको तो आप क्या फाइनाइट क्या बोलोगे? दिस इज एब्सोल्युटली एन एम्प्टी लैंग्वेज, ठीक है। आप उसको फाइनाइट या इनफाइनाइट तो बोल ही नहीं सकते, क्योंकि फाइनाइट या इनफाइनाइट की बात आती है जब कोई चीज कंटेन कर रही हो। एक सेट में या एक लैंग्वेज में कुछ है ही नहीं तो उसमें देयर इज नथिंग टू काउंट। किसी चीज की फाइनाइटनेस की बात ही नहीं हो रही या इनफाइनाइट होने की बात ही नहीं हो रही। लिहाजा दिस विल नॉट नाइदर बी अ फाइनाइट नॉर बी अ इनफाइनाइट, रादर इट विल बी एन एम्प्टी लैंग्वेज। उसको एम्प्टी बोलेंगे, उसको फाइनाइट या इनफाइनाइट के जिम्मे में नहीं लिया जाएगा। जी सर, ओके।